अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरों, मैं हूं चाय वाला। जल्दी मैं एक वीडियो बना रहा हूं। मैंने कई बार आपके साथ जिक्र किया है दैट प्रॉपर्टी ऑक्शन से लेना इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज। सो आज आपको मैं बताने वाला हूं पाकिस्तान में ऑक्शंस कैसे होते हैं, कहां पे हो रहे हैं, हाउ यू नीड टू हैंडल एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं, मेरा तजर्बा जहां तक जाता है। मेजॉरिटी ऑफ जो मेरी यूके वाली प्रॉपर्टी है मैंने ऑक्शन से ली है, अमेरिका वाली रिपोजेस प्रॉपर्टी है वो भी तकरीबन सारी ऑक्शन से ली है। इटली में मैं अभी आपको फुटेज दिखाने वाला हूँ व्हेन आई एम बाइंग अ प्रॉपर्टी इन ऑक्शन, और वो प्रॉपर्टी कितने की थी यार, 23,000 की लगी थी, 35 की हम जीते थे, 70 उसकी वैल्यू थी। वो फुटेज आप थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन जो मेजर समझाने वाली चीज है, सो ऑक्शन में प्रॉपर्टी क्यों सस्ती होती है? गवर्नमेंट या किसी इदारे को जल्दी पैसा चाहिए होता है, सो वो बड़ी क्वांटिटी में प्रॉपर्टीज जो है ना फेंकती है, उनको फौरी ट्रांजैक्शन चाहिए। ऑक्शन वाले जो ट्रांजैक्शन मूवमेंट होते हैं, बाहर वहां पे आके बैठा होता है, वो बेच रहे होते हैं, इट गेट्स वो जो डील है बड़ी जल्दी में हो जाती है डन। उसमें आपका इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बायर का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि बायर उस कमरे में उस हॉल में मौजूद होता है। प्लस इसमें काफी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कानून ने छीनी हुई होती हैं चोरों से, लुटेरों से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कभी कभार अगर आपको जल्दी में कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, आप जाके ऑक्शन पे भी बेच सकते हो, सो दैट जितना खरीदी भी जाती है आप बेच भी सकते हो। लेकिन वहां पे क्या है, थोड़ी ज्यादा कमीशन देनी पड़ती है, जाके आप 1-2% देते हो एजेंटों को, वहां पे आपको 5-10% देनी पड़ती है। अच्छा, ये वाला जो ऑक्शन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इस्लामाबाद। ये 27-28-29 को हो रहा है, जिना कन्वेंशन सेंटर शायद हो रहा है। आपको क्या करना है, वहां पर जल्दी से पहुंचो, 10 बजे पहुंचो, ID लेके जाना, बट चेकबुक मत लेके जाना, पैसे आप साथ नहीं लेके जा रहे, बिकॉज व्हाट आई डोंट वांट टू डू इज वहां पे कोई भी एक चीज खरीदो। आप वहां पे सिर्फ जा रहे हो सीखने के लिए, 2-3 दिन वहां पे गुजारो एंड सीखो कि यार ये बिजनेस कैसे होता है, क्योंकि हर कंट्री का जो बाइंग सिस्टम होता है, ऑक्शन सिस्टम होता है, वो मुख्तलिफ होता है। जल्दी से आपको फर्क बता दूं, यूके में क्या होता है कि तय किया जाता है कि फलां तारीख को फलां प्रॉपर्टी जो है पहले ऐलान किया होता है वहां पे ऑक्शन हो रही है, आप सारे वहां पे पहुंचते हो अपनी अपनी हिम्मत, उस प्रॉपर्टी की बारी आती है, उसकी कीमत बोली जाती है, जी स्टार्ट कर लीजिए आप जी 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, ऐसे ऐसे ऊपर चली जाती है, और लोग हाथ उठाते रहते हैं, अपनी अपनी हिम्मत होती है। जो बंदा जीत जाता है उसको फौरी वहां पे 3 चीजें करनी पड़ती हैं, ऑक्शन हाउस को उनकी कमीशन देनी पड़ती है, वहां पे उसको डिपॉजिट देना पड़ता है प्रॉपर्टी का, और वहां पे उसको कानूनी कागजात साइन करने पड़ते हैं, वहां पे लॉयर्स वगैरह सारे बैठे होते हैं कि आप 28 दिन के अंदर अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी कीमत आप पूरी कर दोगे और आप खरीद लोगे। अमेरिका का भी तकरीबन सिमिलर सिस्टम है, 1 दिन में सारा कुछ हो जाता है। इटली में क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज पहले से ऐलान कर देते हैं, फ्ला 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 प्रॉपर्टीज फ्ला तारीख को ऑक्शन हो रही है, लेकिन वहां पे बिड करने के लिए आपको पहले से डिपॉजिट देना पड़ता है। सो पहले आप तैयार कर लेते हो कि फ्ला प्रॉपर्टी पे मैंने बिड करना है, और एडवांस में आप जाके उस प्रॉपर्टी का 10% जमा करवा देते हो। हमारी जो प्रॉपर्टी जिसपे हमने बिड किया था 23,000 यूरो की, वो इश्तिहार लगाया हुआ था, उन्होंने कहा कि इतने की स्टार्ट होगी, लिहाजा हमने 2300 यूरो पहले से जाके जमा करवा दिया था। जब ऑक्शन वाला दिन आया, वहां पे 2 बंदे आ गए थे, एक हम एक दूसरी पार्टी, वहां पे हमारा टाकरा हुआ, बोली स्टार्ट हुई, 23,000 यूरो से स्टार्ट हुई, करते करते 35,000 पे हम जाके जीते, 35,000 पे उनकी बात हो गई। लेकिन अगर वो 36 कह देते तो हम 37 कहते, एंड वुड हैव जस्ट केप्ट ऑन गोइंग। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 70,000 थी, और उससे मैंने बंदे से पूछा कि आप क्यों ले रहे थे, उसने कहा बस सिंपली बिकॉज मैं इन्वेस्टर हूं और मुझे पता है इसकी वैल्यू 70,000 है, बस क्योंकि उसने प्रॉपर्टी अंदर से नहीं देखी हुई थी इसलिए वो 35 पे रुक गया। मैंने क्योंकि वो प्रॉपर्टी फुली अंदर से देखी हुई थी, मुझे पता है मैं मानूस उस प्रॉपर्टी से, लिहाजा आई वॉज हैप्पी टू गो इवन टू 40। अभी जो आप फुटेज देख रहे हो, दैट इज मी एक्चुअली सिटिंग इन द ऑक्शन रूम, छुपा के कैमरा बनाया हुआ, थोड़ा थोड़ा हम फुटेज हम बना रहे थे वहां पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बिकॉज मुझे पता है मिलियनेयरों ने देखना है ऑक्शन हाउस कैसे लगता है। और अभी वाला जो आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, दिस इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है जो ली है, 3 मंजिला है, 4 बेडरूम है, 2 बाथरूम्स है और 1 लिविंग रूम है। इसकी एंट्रेंस, इसके 2-3 पोर्शन बनाने का चक्कर है, 3 स्टोरी प्रॉपर्टी है, इसमें 2 पोर्शन, एक निचले वाला एक ऊपर वाला, और 70,000 यूरो मिनिमम इसकी वैल्यू है। निचला हिस्सा आराम से 500 का चार्ज आएगा, ऊपर वाला आराम से 350-400 यूरो का चार्ज आएगा, बट हमें इसको किराए पे नहीं चढ़ाना। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पुट इट ऑन Airbnb, और क्योंकि ये प्रॉपर्टी लागो के बिल्कुल करीब है, वी वांट टू पुट इट अप फॉर टूरिस्ट, और टूरिस्ट को डालने का फायदा ये कि किराए से तकरीबन 2-3-4 गुना ज्यादा हम कमा सकेंगे बाय डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस, जितना होटल होता है, यानी Airbnb अगर आपको नहीं पता, 1 ऑफ, यानी 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए वगैरह वगैरह। आखिरी रह गया दुबई, दुबई में मैंने अभी तक कोई प्रॉपर्टी जीती नहीं है, पर आई पार्टिसिपेट इन फ्यू ऑक्शंस, वहां का ऑक्शन थोड़ा अजीब किस्म का है, पहले आप रजिस्टर करते हो, फिर वो ऑक्शन ऑनलाइन होते हैं, महीने का होगा, 15 दिन का होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आराम आराम से आप वहां पे बिडिंग करते हो। आई नेवर वन एनीथिंग, वहां पे कोई खास कुछ जीता भी नहीं हूं, ना
कोई मैंने खरीदी है ऑनलाइन, बट कम से कम बता तो दिया आपको कैसे काम करता है इन एवरी डिफरेंट कंट्री. आप पाकिस्तान का या इंडिया का जहाँ पे भी आप रहते हो, यू नीड टू गो लर्न योर ओन लोकल वाली जो ऑक्शन है वो कैसे काम करती है. और जब आप वहाँ पे जाओगे, ध्यान रखना दो किस्म के बंदे आपको मिलेंगे, एक लुटेरे चोर अपॉर्चुनिस्ट और एक वहाँ के मगरमच्छ. यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि मगरमच्छ कौन है और चोर कौन है, और दोनों को ना लिसन टू देम, बस सुनते जाओ क्या कह रहे हैं. जो मगरमच्छ है उनके पास जाओ, स्पीक टू देम. मैं जो है ना आई एम नॉट शाई, मुझे शर्म नहीं आती टू गो आस्क समबडी कि यार मुझे ये चीज़ नहीं पता किस तरह चलती है, प्लीज़ मुझे आप सिखा दीजिए. ट्राई टू लर्न, दो तीन दिन वहाँ पे जाओ, वहाँ पे सीखो 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 सीखो, फिर बाद में जाकर छोटी सी प्रॉपर्टी पे जाके एक्चुअली बिडिंग करना. अब की बार या पहली बार जब भी आप ऑक्शन पे जा रहे हो, आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए जा रहे हो. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सुल्तान राही जैसा या रैम्बो जैसा अंदर बंदूक पकड़ के नहीं चले जाते. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव दैट कोवर्ट स्लो यू नो इन्फॉर्मेशन गैदर करो, फिर जाके यानी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक. अच्छा, ये सारी तो इन्फॉर्मेशन होगी कि ऑक्शंस कैसे चलते हैं. अब वापस आते हैं टू द इस्लामाबाद ऑक्शन. अगर आप इसके बाद 27, 28, 29 वाले ऑक्शन पे नहीं पहुंच सकते, आप बाद में वीडियो देख रहे हो, फ्यूचर वाले जो ऑक्शंस है cda.com.pk से आपको मिलेंगे. वहां का जो अनाउंसमेंट सेक्शन है उस पर नजर रखो, वहां पे वो ऐलान करेंगे, वहां पे वो पब्लिश करेंगे कि फ्यूचर वाले जो ऑक्शंस हैं कहां पे हो रहे हैं. प्लस आप अखबारों पे भी नजर रखो, क्योंकि ये जो आपको दे रहा हूं दिस इज अ कट आउट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. बाकी रहेगी कि आप इस्लामाबाद के नहीं हो, आप लाहौर के हो, कराची के हो, फैसलाबाद के हो, अदर सिटीज के हो, मुंबई, दिल्ली, व्हाटएवर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, गो टू योर लोकल जो अथॉरिटी, उनसे पूछो कहां पे होते हैं हमारे ऑक्शन. क्योंकि हर कंट्री में ऑक्शंस होते हैं. जो वहाँ की बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं, फाइनेंशियल टाइम्स है, जो भी हैं उनमें ढूंढो. गो टू रियल एस्टेट पीपल, बंदू से पूछो यार ऑक्शन कहाँ पे होता है. अगर एक को नहीं पता, गो टू द अदर वन. उस वक्त तक पूछते रहो जब तक वो पता नहीं चलता कि नेक्स्ट ऑक्शन कहाँ पे हो रहे हैं. एंड देन गो एंड लर्न फ्रॉम देम. बिकॉज अगर आपको वाकई में प्रॉफिट कमानी है, यू वॉन्ट टू रिटर्न ऑन योर प्रॉफिट एंड यू वॉन्ट टू बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर, ऑक्शन से लो. दैट्स इट, ऑक्शन की बात होगी, मुझे सोना भी है. लास्टली क्या करने वाला हूँ, ये जो CDA वाला ऑक्शन है मैं chaiwala.com पे लगाने वाला हूँ. वहाँ पे एक थ्रेड स्टार्ट करने वाला हूँ ऑल अबाउट ऑक्शंस. अगर आपको अपने वाले करीबी वाले ऑक्शंस पता है, वहाँ पे आके जिक्र कर दो ताकि सब लोगों की हेल्प हो जाए इंशाल्लाह. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो इंशाल्लाह आइंदा वाला आ जाएगा आपको पसंद. सो दैट्स इट, मी डन, आज़ाद चाय वाला. अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम. मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू. अगर आपको पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है, आपको मिलियनेयर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ब्राय मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा. ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स. क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनेयर्स बनाने हैं डॉलर वाले, वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, उनको उसी घिसी पिटी रटे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना, और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो, जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे. क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेस मैनों ने चेंज करने हैं. इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है. अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज हैं, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हद तक हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी ने किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी. और अगर हमारा इंसान पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो, हमारे एक CPAC पे देखो पूरी कौम किस तरह हो रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं. सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी CPACs. और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख CPACs होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे. सो साथ दो मेरा इस सफर पे. अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फिजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना, आई विल बी योर नंबर वन फैन. मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा, आई विल पुश यू. एंड टुगेदर अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनेयर बन जाते हो, तो देखो नॉट ओनली अगर अपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई, यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहायश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना, व्हाटएवर यू वांट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है. यू विल स्पेंड ऑन द पीपल अराउंड यू, दैट्स इट. सब्सक्राइब करना है, करो ना करो, दैट्स योर चॉइस. मैंने तकरीर कर दी, अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम.